टर्म एनिमे का मतलब कोई भी एनिमेटेड पीस ऑफ वर्क से जो जापान में बना हो। आज ये डेफिनेशन थोड़ी वेग होती जा रही एज मोर एंड मोर कंट्रीज आउटसाइड ऑफ जापान एनिमे प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट मोस्ट ऑफ दी हार्डकोर एनिमे लवर्स पुरानी डेफिनेशन को ही कंसिडर करते हैं। इवन इफ जिसने आज तक कोई एनिमे नहीं देखा वो भी इसके और वेस्टर्न एनिमेशन के स्टाइलिस्टिक डिफरेंसेस को रिकॉग्नाइज कर लेगा, गिवन वो बस कुछ देर फोकस रहकर किसी अच्छे पीस ऑफ वर्क को देख रहा हो। एनिमेशन स्टूडियोज ऑफ द वेस्ट का मेजर टारगेट चिल्ड्रन और अर्ली टीन किड्स पे होता है, और स्टोरी, कैरेक्टर और ओवरऑल पीस ऑफ वर्क की टोनैलिटी इन्हीं चीजों को माइंड में रखकर तैयार की जाती है। एंड यस, यू कैन आर्ग्यू दैट शोज लाइक सिम्पसंस या फिर बोजैक हॉर्समैन एक मैच्योर ऑडियंस के लिए बनाया गया है, बट अगेन सिम्पसंस एक एक्सेप्शन है जिसके कई जोक्स और प्लॉट्स कार्टून की डमनेस का मजाक उड़ाते हैं। बोजैक ऑन दी अदर हैंड एक स्ट्रीमिंग शो है जहाँ शोज को सेंसरशिप जैसी चीज से रिलीफ मिल जाता है। इवन टुडे मेजॉरिटी ऑफ एनिमेटेड फीचर फिल्म्स बच्चों के लिए बनाई जाती है। एनिमे स्टूडियोज इस रिजिड थॉट को फॉलो नहीं करते, उनके क्रिएशंस पूरे वर्ल्ड के सारे एज ग्रुप के लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, चाहे आप कोई 10 साल का एक्शन एंजॉयर या फिर 30 साल का ड्रामा और रियलिज्म एंजॉय करने वाला व्यूअर, दोनों के लिए एनिमे प्रेजेंट है। नाउडेज इवन LGBTQ और वुमेन फोकस्ड एनिमे भी क्रिएशन और पॉपुलैरिटी दोनों में बढ़ रहे हैं। इफ यू कंपेयर कैरेक्टर्स ऑफ वेस्टर्न एनिमेशन, वेस्टर्न कैरेक्टर्स को ऑफन व्हाइट वॉश और कई बार डम डाउन किया जाता है या ऐसे मैनर में राइटिंग की जाती है कि वो अपने एज ग्रुप की ऑडियंस को अट्रैक्ट कर सके। दैट्स व्हाई डिज्नी या पिक्सार मूवीज के कैरेक्टर अपने एक अलग ही इमेजिनेटिव रियलिटी में जीते हैं। एंड इट्स नॉट दैट एनिमे इन चीजों से सफर नहीं करता, बट बीइंग फॉर ऑल एज ग्रुप्स एनिमे में मैच्योर कैरेक्टर्स की कोई कमी नहीं है, जिनकी राइटिंग रियल लाइफ सिनेरियोस को माइंड में रखकर की जाती है। बीट यागामी लाइट या ओकाबे रिंतारो, उनके एक्शन स्मार्ट और यूजफुल रहते हैं। वो यूजुअली सिचुएशन को अच्छे तरीके से एनालाइज और अंडरस्टैंड करने के बाद ही कोई फैसला लेते हैं। डिफरेंस दोनों के एनिमेशन स्टाइल और स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स में भी देखी जा सकती है। एक्सेप्ट फॉर कार्टून्स जो मोस्टली लो बजट रहते हैं, वेस्टर्न एनिमेशंस में मोस्टली 3D टेक्निक का यूज होता है। ये कैरेक्टर्स और चीजों का रियल वर्ल्ड रिप्रेजेंटेशन देते हैं, पर 3D बिना अच्छे टेक्सचर एक प्लेन कैनवास जैसा है जहां बहुत कुछ बनाया जा सकता था पर है कुछ भी नहीं। एनिमे ऑन दी अदर हैंड 2D एनिमेशन होते हैं जो आज भी हैंड ड्रॉन किए जाते हैं फ्रेम बाय फ्रेम। कंप्यूटर्स मोस्टली फिनिशिंग टचेस के लिए यूज होते हैं। ये प्रोसेस बहुत हार्ड वर्किंग और टाइम इंटेंसिव होता है, बट इसका रिजल्ट देखा जा सकता है। कंपेयर टू डल वेस्टर्न 3D एनिमेशन, एनिमे कलरफुल होता है, वेयर कलर्स टोन और मूड सेट करने के लिए यूज होते हैं। एंड बीइंग हैंड ड्रॉन, एनिमेटर्स का कलर, लाइटिंग और रिफ्लेक्शन जैसी चीजों पे अच्छा कंट्रोल रहता है। एनिमे विजुअल स्टोरी टेलिंग को भी ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। वर्ल्ड बिल्डिंग एनिमे का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये व्यूअर को फिक्शनल वर्ल्ड की बेटर अंडरस्टैंडिंग देता है। दैट्स व्हाई मुझे वो एनिमे पसंद नहीं आते जो एक्सपोजिशन पे बहुत ज्यादा रिलाई करते हैं। विजुअल स्टोरी टेलिंग पे और डिस्कशन किया जाए तो एनिमे बाय स्टिल बीइंग 2D एंड हैंड ड्रॉन सारा सिनेमैटिक फील देता है। फ्रॉम कैमरा मूवमेंट टू एंगल्स सब कुछ स्टोरी के हिसाब से किया जाता है, जो एक्शंस और इमोशंस को एनहेंस कर देते हैं। बीइंग कलरफुल, एनिमे में फोटोग्राफी भी बहुत फोकस होता है। एनिमेटर्स काफी टेक्निक यूज करते हैं जो रियल कैमरा में होती है, फॉर एग्जाम्पल ब्लर पैटर्न या फिर लेंस फ्लेयर, जो इन सीन्स को और रियलिस्टिक और ब्यूटीफुल दोनों बना देता है। ये सिनेमेटोग्राफी टेक्निक्स वेस्टर्न एनिमेशन में भी यूज होते हैं, पर इनका हाल ही में इंक्रीज हुआ है बिकॉज ऑफ प्राइस और टाइम, जो पहले अवेलेबल नहीं था। एनिमे ऑन दी अदर हैंड ये टेक्निक सालों से यूज करते आ रहा है, एंड इट्स फॉर ऑल दोस रीजंस एनिमे एज एन आर्ट फॉर्म के इम्पैक्ट फार बियॉन्ड देखे जा सकते हैं। मैनी हॉलीवुड फिल्म के सीन इनडायरेक्टली या डायरेक्टली एनिमे से इंस्पायर्ड है। इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने एनिमे की प्रॉपर डेफिनेशन को डिस्कस किया था। यू सी, आज एनिमे अपने ट्रेडिशनल बॉर्डर से कई आगे निकल चुका है और पूरे वर्ल्ड में अपनी पहचान बना चुका है। आज एनिमे पूरे वर्ल्ड के ऑडियंस को माइंड में रख के बनाया जाता है। बहुत सी स्टोरीज में वेस्टर्न इन्फ्लुएंस या रेफरेंसेस देखे जा सकते हैं। स्ट्रीमिंग सर्विसेज एनिमे के लिए गेम चेंजर साबित हुए। टीवी के जमाने में कई शोज को सेंसर या फिर डायलॉग और मीनिंग में सिग्निफिकेंट ऑल्टरिंग की जाती थी US और अदर कंट्रीज में। स्ट्रीमिंग ने ऐसा बदल दिया। ऑडियंस अपने फेवरेट एनिमे की रियल लैंग्वेज और अनसेंसर्ड फॉर्म में देख सकती थी, जिससे एनिमे की पॉपुलैरिटी और डिमांड दोनों में इंक्रीज आई। बट डिमांड की इतनी इंक्रीज के साथ कोप अप कर पाना एक मुश्किल टास्क है, एंड सो एनिमे अब फॉरेन कंट्रीज लाइक चाइना और साउथ कोरिया में भी बनने लगे। बट मैनी फैंस इन द US और अदर कंट्रीज को एनिमे का ये वेस्टर्नाइजेशन और फॉरेन प्रोडक्शन पसंद नहीं आया, एंड सिंस देन ये एक लंबी डिबेट का टॉपिक है कि क्या सिर्फ जापान में बने शोज को ही एनिमे कंसिडर किया जाना चाहिए। बट ऑल दिस डिबेट स्ट्रीमिंग सर्विस की डिमांड के आगे छोटी पड़ जाती है। वो इस आउटसोर्सिंग को कंटिन्यू कर रहे हैं। आजकल स्ट्रीमिंग साइट्स डायरेक्ट एनिमेशन स्टूडियो से डील स्ट्राइक कर रहे हैं एक्सक्लूसिव एनिमे क्रिएट करने के लिए। नेटफ्लिक्स के कई एनिमे एक्सक्लूसिव ओरिजिनल है और टोटली आउटसाइड ऑफ जापान क्रिएशंस है। एंड वेदर यू अग्री विथ इट और नॉट, एनिमे का वेस्टर्नाइजेशन और आउटसोर्सिंग फ्यूचर में भी देखने मिलेगा और प्रॉब्ली इंक्रीज होगा।
पर एक बात सबको खुश करने वाली है, हमें बहुत से डिफरेंट टाइप्स के क्रिएटर्स के बहुत से डिफरेंट टाइप्स के एनिमे मिलने वाले हैं।